मार मजे में है मोदी सरकार। मोदी जी जब सत्ता में आए नहीं थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उनके आते ही जैसे भारत में राम राज्य आ जाने वाला है, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट और जनता को इसका खामियाजा बढ़ी महंगाई के रूप में भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान घरेलू गैस की कीमतों में भयंकर उछाल आया है और मोदी जी इसको समेटने में पूरी तरह से विफल रहे। भाजपा सरकार की असलियत यह है कि पिछले 15 महीनों में ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 300 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडरों पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी भी लंबे समय से बंद है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से सोच चुकी है कि आम जनता को कष्ट पहुंचाना ही भाजपा की सरकार का एकमात्र मकसद है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आज देश में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर, डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक की दर पर बिक रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2021 तक के 7 वर्ष के मोदी राज में पेट्रोल में 42%, डीजल में 32% व रसोई गैस की कीमतों में 116% बढ़ोतरी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में भारी कमी होने के उपरांत भी सरकार लगातार देश में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि करती जा रही है। मोदी जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन महंगाई कम करने के बजाय मोदी सरकार अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपति मित्रों की इच्छा को पूरा करने में मशगूल रहती है। रेल टिकट महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, सरसों का तेल महंगा। अगर मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई चीज सस्ती है तो वो है सिर्फ टेंशन, जो मोदी सरकार आम जनता को बीते 8 साल से दे रही है।